हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप? मैं चंदन शर्मा एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ आपके पास। तो हमारे हेडलाइन से पता चल गया कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, किस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ। जी, आपने सही समझा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ HBTU कैंपस कानपुर के बारे में। जी, अगर HBTU कैंपस की बात करूँ तो इस कैंपस का नाम है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अजीब सा नाम लगता है ना सुनने में, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड, इस कैंपस की बात करें तो कैंपस आपका 2021 चल रहा है अभी, तो इस साल को मिलाकर आपका टोटल 100 ईयर्स ओल्ड कैंपस हो चुका है। तो कैंपस की बात करें तो कैंपस आपका आज़ादी से पहले इस कैंपस बना हुआ है कानपुर में। तो लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है इस कैंपस का। जो लोकेशन है आपका कैंपस का, वो पड़ता है आपका कानपुर में। कानपुर में कहाँ पर? नवाबगंज के पास। तो आज मैं इस कॉलेज के बारे में कुछ टॉपिक पर बात करूँ। जैसे कि आपको पता है कि इसके वेबसाइट पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि जैसे JEE Mains का रिजल्ट आ चुका है, उसके थ्रू काउंसलिंग होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो कैंपस के अंदर में UG PG डॉक्टर कोर्सेस चलता है। तो आज मैं बात करूँगा BTech जो फर्स्ट ईयर जो फ्रेश एंट्री में काउंसलिंग कैसे होगा। तो काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है आपका, 3 राउंड में काउंसलिंग होना है फ्रेंड। तो जो काउंसलिंग का डेट मेंशन किया गया है वेबसाइट पर आपका, मैं उस पर जिक्र करूंगा। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका है, जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट, फिलिंग का जो डेट आया है वो आपका है 23 सितंबर 2021 से 5 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है फ्रेंड। तो इस पर बात करने से पहले मैं इसके अंदर जो BTech के जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके पास जो BTech के जो ब्रांच अवेलेबल है फ्रेंड, टोटल 13 ब्रांच BTech के इस कैंपस के अंदर में अवेलेबल है। तो आज का सबसे जो ट्रेंड ब्रांच चल रहा है वो है आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी इस कैंपस के पास मौजूद है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी मौजूद है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी कैंपस के अंदर में अवेलेबल है, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच भी अवेलेबल है, मीन्स IT इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है कैंपस के अंदर में। जो सबसे यूनिक कोर्स है प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग भी इनके पास ही है। फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कोर्स भी BTech के अंदर में यहाँ पर अवेलेबल है। ऑयल टेक्नोलॉजी कोर्स भी इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद पेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। उसके बाद आपका लेदर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी कोर्स अवेलेबल है इनके पास। तो अब प्रक्रिया बताते हैं कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट मेंशन किया गया है, तो जिक्र करते हैं जो रजिस्ट्रेशन का, जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है आपकी, सितंबर 23 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। देन सितंबर 23 से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 5 को इसका ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का डेट ख़त्म हो जाएगा। जो इस पर प्रक्रिया है आपका सीट अलॉट होने का, तो जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट आप लोग हो, इसमें आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म फिल होना, उसका जो चार्ज है आपका 2500 रुपीज़ का, यानी कि 2500 रुपये का अप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज है ऑनलाइन काउंसलिंग का। ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपका पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है, जो भी जनरल OBC वाला कैटेगरी वाले बच्चे, वो 20,000 रुपये पेमेंट करेंगे, उसके बाद 12,000 रुपये SC ST वाले पे करेंगे ऑनलाइन पेड। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होता है आपको, आप मान लो काउंसलिंग कराया अपने फर्स्ट राउंड का और आपको सीट अलॉट हुआ और आपको दिक्कत होता है, तो कॉलेज आपको मात्र 5,000 रुपये रिफंड करता है। तो उसके लिए आपको जिगरा रखना पड़ेगा फ्रेंड, तब जाकर इस कॉलेज की काउंसलिंग कराना। कॉलेज सच में बहुत बढ़िया है, कॉलेज की प्लेसमेंट बढ़िया है, तो इस कॉलेज भी अच्छा है। बट थोड़ा सा अगर आपका प्लानिंग इसके अलावा कोई और कॉलेज के लिए, और आपने काउंसलिंग करके अगर अपना सीट अलॉट करवा दिया, तो पैसे दिक्कत वापस करने से दिक्कत हो जाता है, बाकी पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। तो आपका जब फर्स्ट राउंड का जब सीट अलॉट होता है, तो उसके बाद आपको जो फीस है कॉलेज का 1,35,000 रुपये आपको पे करना होता है। तो फर्स्ट राउंड का जो डेट का जो रिजल्ट आएगा, वो आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का 6 अक्टूबर को आना है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आप देख सकोगे वो आपका 7 अक्टूबर को देखोगे। उसके बाद आपका जो पैसा पे करना है डॉक्यूमेंट के साथ पूरा वेरीफिकेशन के बाद, वो 8 से 12 का डेट मिलेगा आपको, 8 से 12 अक्टूबर का। तो ये आपका डेट मेंशन किया गया है, आप वेबसाइट पर जब खोलोगे HBTU का, तो वहाँ पर वेबसाइट पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। उसके बाद आप मान लो उसके बाद विदड्रॉल लेना चाहते हो, जो मैंने बताया आपको पहले कि जो दिक्कत थोड़ा आता है, तो विदड्रॉल आप लेने का जो प्रक्रिया हो 13 अक्टूबर को होगा। उसके बाद आपको जो सीट वैकेंसी रहता है, उसके बाद आपको 14 अक्टूबर को जाकर वहाँ पर रिपोर्ट करना है। बाकी उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी आपकी, इसका जो डेट मेंशन किया गया है तो आपका 16 अक्टूबर से लेकर स्टार्ट होना है। उसके बाद फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, जो कि आपका 25 अक्टूबर से होना है फ्रेंड। और जो प्रक्रिया चलेगी आपको,
30 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो SBUTU के लिए तो आप इसकी काउंसलिंग करा सकते हो, क्योंकि कॉलेज का प्लेसमेंट बढ़िया और ये जो ब्रांचेस इनके पास अवेलेबल है तो ब्रांचेस को देख सकते हो। यार देखो अभी के टाइम में क्या बहुत सारे बच्चे सिर्फ BTech कंप्यूटर साइंस के चक्कर में पड़े हुए थे, यार ऐसे भी यूनिक ब्रांच है जहाँ पर बहुत कम बच्चे लेते हैं और रियली बताओ तो उस ब्रांच लेने के बाद बच्चे जरूर प्लेस होते हैं, क्योंकि ये ब्रांच के बच्चे मिलते नहीं है। तो आप इन सब ब्रांचेस को भी चूज़ करो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आ रहा है काउंसलिंग में, चाहे आपको SBUTU के थ्रू कुछ भी दिक्कत जानकारी को चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अपना ईमेल आईडी, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ फॉलो कर सकते हो, फेसबुक फॉलो कर सकते हो, उसके बाद कोई भी समस्या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई भी समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट करो, बाकी कोई भी कॉलेज की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। बाकी साथ साथ अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अब तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको तक बहुत सारे वीडियो मैं पहुँचाते रहूँगा कॉलेज का कटअप काउंसलिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड, ताकि आप तक मेरे वीडियो पहुंच सके। बाकी और भी कोई दिक्कत आ रही है तो जरूर पूछना हमसे।